अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के सोर्सेज क्या हैं? द मेन सोर्स ऑफ अल्केन आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मीथेन। मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ द नेचुरल गैस। तो ये भी सोर्सेज ऑफ अल्केन में है। ऑल द अल्केन्स आर ऑब्टेन कमर्शियली बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है ऐसी डिस्टिलेशन को जिसमें सेपरेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। आगे आप डिटेल से इसे देखेंगे। नेक्स्ट वन है मार्स गैस इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। मार्स गैस जो है उसके अंदर भी ज़्यादा क्या है? मीथेन। फ्यूल गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैस कंटेन अल्केन इन स्मॉल अमाउंट। फ्यूल गैसेज में भी ये सारे सोर्सेज हैं अल्केन्स के। मीथेन अक्कर इन गोबर गैस, सीवेज गैस एंड बायोगैस विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एक्सट्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। ये एनिमल्स का वेस्ट है जो उनकी बॉडी से बाहर आता है और इंसानों का, जानवरों का। तो ये सारी गैसेस हैं और इसके अंदर जो है मीथेन है। अब ये सारे सोर्सेज हैं अल्केन्स के और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन इसका आता है राइट अ नोट ऑन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स या राइट अ नोट ऑन एनी राइट एनी फोर सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी है, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आपने एज इट इज़ इसको लर्न करना है। एज वी नो अल्केन्स फॉर्म अ सीरीज ऑफ होमोलोगस कंपाउंड सो देयर मेथड ऑफ प्रेपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ऑल्दो देयर आर मैनी मेथड ऑफ प्रेपरेशन बट ओनली टू मेथड्स आर डिस्कस हेयर। सबसे पहला है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइन्स। हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिकुलर हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्केन्स एंड अल्काइन्स। तो ऐसे तमाम प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, जिसमें हाइड्रोजन प्लस की जाएगी, उसे कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। इसी तरह और भी डिफरेंट मेथड हैं, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन। तो उसमें एडिशन ऑफ क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन, अगर ब्रोमीन का एडिशन है तो ब्रोमिनेशन। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस लिए पढ़ रहे हैं? प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स को किस तरह से तैयार किया जाता है, इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, किस तरह से रिएक्शन किया जाएगा कि आपके पास अल्केन्स आएँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोई से भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एज वी नो अल्केन्स एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड सो दे हैव द कैपेसिटी टू ऐड अप एटम इन देम। दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसे चीज़ को कहते हैं जो कि खुद यूज़ ना हो लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर दे, स्पीड अप कर दे। कैटलिस्ट निकल यूज़ किया जाएगा, एट इसका टेम्परेचर रखा जाएगा 250 से 300 में, तो ही ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लाटीनियम भी इसका यूज़ कर सकते हैं और निकल भी यूज़ कर सकते हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में भी ये रिएक्शन जो है वो हो सकेगा। अब यहाँ पर तो इस तरह से आपने ये लर्न करना है, इसमें सोर्सेज एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे इसके रिएक्शंस किस तरह से किए जाएंगे और किस तरह से अल्केन्स हमारे पास आएंगे।